कहाँ है सोनम कपूर, जिसने ये कहा था कि किसी की डेथ के बाद उसकी गर्लफ्रेंड या उसके साथ वालों पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, एजेंसीज को अपना काम करने दिया जाए। कहाँ है स्वरा भास्कर, जिसने ये कहा था कि करण जौहर इसमें इन्वॉल्व है या नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा ही नहीं। स्वरा को ये नहीं पता कि ये सुसाइड नहीं, ये तो प्लान्ड मर्डर था। कहाँ है वो फिल्म क्रिटिक, जिसने रिया को लेकर एक ट्रूथ सीरीज बनाई थी और कहा था कि रिया ने किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का ध्यान रखा और अपने करियर को भूलकर वो सुशांत में इतनी इन्वॉल्व हो गई। इस फिल्म क्रिटिक ने ये बताने की कोशिश की थी कि रिया चक्रवर्ती एक डेडिकेटेड गर्लफ्रेंड थी और इससे अच्छी लड़की सुशांत को मिल ही नहीं सकती है। इस ट्रूथ सीरीज में सुशांत सिंह राजपूत को बीमारी का शिकार बताया गया और रिया चक्रवर्ती को एक ध्यान रखने वाली गर्लफ्रेंड बताया गया। अब जब पिक्चर साफ साफ हो गई है, पता लग गया है कि रिया चक्रवर्ती का जो इन्वॉल्वमेंट था बहुत ही संदिग्ध था, ड्रग्स में डील कर रही थी, सुशांत सिंह राजपूत को चाय या कॉफी में ड्रग्स मिलाकर देती थी, चीजें क्लियर हो गई है, पैसा किस तरह से खर्च करती थी और किस तरह से पैसों पर ध्यान रखती थी ये भी बात क्लियर हो गई है, शुरू से ही कितनी चीजें छिपा रही है और कितने मैसेजेस और चैट्स डिलीट किए हैं ये भी अब सामने आ गया है। अब जब मामला सामने आ ही गया है, जहां एक तरफ पब्लिक बहुत ही खुशी जता रही है इस इन्वेस्टिगेशन से, तो वो लोग कहाँ हैं जो हर एक बात पर अपना ओपिनियन रखते हैं, जिन्होंने तब कहा था कि गर्लफ्रेंड को ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं, ये ट्वीट सोनम कपूर ने किया था। अब सोनम कपूर चुप क्यों है, स्वरा भास्कर अब चुप क्यों है? स्वरा भास्कर कुछ दिनों पहले रिया चक्रवर्ती पर जो किए जा रहे मीडिया ट्रायल है उस पर बात की थी और सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इसका ध्यान रखा जाए, वो स्वरा भास्कर अब जब ड्रग्स की बात आ गई तो चुप क्यों है? इन सभी चीजों से ये बात एक क्लियर हो जाती है कि इन लोगों को डर था कि रिया चक्रवर्ती कहीं फंस ना जाए, क्योंकि अगर रिया फंसी तो बॉलीवुड के बहुत सारे ए-लिस्टर्स फंस जाएंगे। किस कारण? ड्रग डील के कारण। रिया चक्रवर्ती बल्क में ड्रग डीलिंग करती थी, कौन उनके पैडलर्स थे, किनको ये ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होगा और बॉलीवुड आ गया है शक के घेरे में कि यहाँ पर कितने ड्रग्स लिए जाते हैं। कंगना रनौत एक बार फिर सामने आई है, कंगना के हिम्मत की वाकई में तारीफ होनी चाहिए कि अपने करियर को सोचे बिना, अपनी जान के बारे में सोचे बिना कंगना ने सामने से आकर कहा है कि नार्कोटिक डिपार्टमेंट को बॉलीवुड में इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कंगना की कोई मदद चाहिए तो वो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन बस उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, कंगना रनौत का शुरू से ही इस मामले में रोल काफ़ी बड़ा रहा है, बॉलीवुड की बहुत सारी गंदगियों से कंगना ने पर्दा उठाया है और जो पिक्चर जनता को अब तक बॉलीवुड की दिख रही थी, ग्लैमरस लाइफ, अमीर लोग, पार्टीज, हाई प्रोफाइल लाइफ, उस पिक्चर से पर्दा उठ गया है, जनता शॉक में है कि हम किन लोगों को अपना आइडल मान रहे थे।